तलवारों की धार पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जो है ना तुम ड्राइवर हो इस बस के, युवा जो है और हमारे बुड्ढे जो ना वो सवारी है, जरूरत पड़ेगी तो रास्ता पूछना, नहीं तो तुम बैठे रहो। क्योंकि ना ये हमारा जो है ना कुछ लोगों ने आंदोलन बढ़ाया, अगर साहब काशीराम पैदा ना होते ना तो आज जो है ना बाबा साहब धूमिल कर दिए होते इन लोगों ने। उसका एक और चीज बताता हूँ, ओबीसी के लोग कुछ खड़े ना यहाँ पर, उनसे पूछ लो साहू जी महाराज कौन है, पेरियार कौन है, इन लोगों को पता ही नहीं इतिहास क्या है। ये सारे ओबीसी के लोग थे, है ना। इन लोगों ने हमें अलग अलग करके, जैसे आप किसी जमींदार के खेत में घुस जाओ, एक उसमें वाल्मीकि है, एक जाटव है, एक धानक है, तो तीनों को बुलाएगा। पहले बुलाएगा उसको जो सबसे नीचे पायदान पे, आ जा भाई ये तू कुछ किस कह रहा है, मैं फलाने धानक का हूँ। कह रहा ठीक है यार, ये तो हमारे फलाने वाल्मीकि का है, इनकी माँ हमारे घर में काम करती है, ये फलाने जाटव है, इसकी माँ खेत में काम करती है, तेरी हिम्मत कैसे होगी, दे थप्पड़ भगा दिया। ठीक है, फिर दूसरे को बुलाएगा, है जाटा समाज की आदमी, उन्होंने कहा भाई इसकी तो ठीक है यार, ये तो हमारे घर रहती है, वाल्मीकि समाज की औरत है, हमारे घर में काम करती है, तू कैसे घुस गया भाई। फिर उन्हें पिटा, फिर दबावा, कह रहा ये तो बात ठीक थी, तू खुद भी बड़ा नहीं मिल गया भाई, उसने पिट के मृत्यु में घर बजा देगा। ये वही चल रहा है, ये वही चल रहा है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे ना तो आप सोच लेना कि आप लोगों का कोई इसमें, ये दोबारा वही व्यवस्था ला देंगे रामराज अभी।